हेलो एवरीवन, जानते हैं इस बार का सबसे बड़ा पोर्टल जो 888 पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन है, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, चाहे आपको फैमिली में अगर कोई हेल्थ इश्यू से जूझ रहा है उसको लेकर है, यदि आप चाहते हैं कोई आपकी मैनिफेस्टेशन जो कि काफी समय से वेटिंग पीरियड में चल रही है, जैसे मान के चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपका, आप रिलेशनशिप में हैं, आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, काफी टाइम से आपका रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत स्मूथली हो जाए, या आपके फाइनेंसिस में कोई इश्यू चल रहे हैं, आप चाहते हैं आपके फाइनेंसिस बहुत अच्छे से हो जाए, आपके घर में कोई बीमार चल रहा है काफी समय से, आप चाहते हैं वो उसकी बीमारी परमानेंट लेवल है वहां से हट जाए, तो इस साल का सबसे बड़ा पोर्टल यहाँ पे अब आने वाला है जो कि 8 अगस्त को है। वो कैसे, 8वां महीना 8 तारीख हो गई और अगर हम 2024 को भी हम सम करेंगे वो भी 8 निकल के आता है। तो ये है 888 पोर्टल, जिसे बोलते हैं लॉयंस गेट पोर्टल, जो कि साल का सबसे बड़ा पोर्टल है। जानते हैं अगली बार ये पोर्टल कब आएगा, 2033 में, 8 अगस्त 2033 में आएगा। इस पोर्टल पे यदि आप अपनी कोई भी मैनिफेस्टेशन जो कि बहुत टाइम से रुकी पड़ी है आपकी, अगर आप वो मैनिफेस्टेशन अगर आप पूरी करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको ऐसा एक रिचुअल बताने जा रहा हूं। उस रिचुअल को यदि आपको आज से ही शुरू करना है, उसका पूरा प्रोसेस समझाऊंगा किस तरीके से करना है। अगर आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ वो रिचुअल करते हैं, आपकी कोई भी विश जो इतने सालों से, इतने महीनों से पूरी नहीं हो रही है ना, और आप शिद्दत से उस चीज को पाने में लगे हुए हो लेकिन वो चीज हो नहीं पा रही, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, वो विश आपकी हर हाल में 8 अगस्त तक हर हाल में पूरी हो जाएगी। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा पहले कि जैसे मान के चलो आपके किसी रिलेशनशिप में अपने कोई प्रॉब्लम चल रही है काफी समय से, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी बीच में क्लैशेस चल रहे हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशन स्मूथ नहीं चल रहा है, आप चाहे लिव इन में हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, आप कुछ भी हो, ठीक है, अगर आप ये रिचुअल करते हैं पूरी पॉजिटिविटी से, तो आपका काम हर हाल में हो जाएगा। आपकी मैनिफेस्टेशन जो भी है, आपकी मैनिफेस्टेशन हर हाल में पूरी होनी ही होनी है। आपको करना क्या, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, मान के चलो कि आपको रिलेशनशिप सही करना है, आपको एक व्हाइट पेपर लेना है, उस पर ग्रीन कलर के पेन से, ये बता रहा हूं पहले मैं आपको रिलेशनशिप के लिए, ग्रीन कलर के पेन से आपको ऐसे विश नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 विशेज लिखनी है आपको। मान के रिलेशनशिप में आप चाहते हो आपके पार्टनर की आपसे शादी हो जाए, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से हट जाए, आपके पार्टनर आपसे हमेशा प्यार करने लगे, आपके पार्टनर दोनों के बीच में बॉन्ड अच्छा क्रिएट हो जाए, आप अपने पार्टनर से हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, बॉन्ड हमेशा बना रहे, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस में, कुछ मर्जी हो, अपनी 8 विशेज यहां पर लिख लीजिए शॉर्ट में। अगर आपका रिलेशनशिप पे ले, तो ऊपर सबसे पहले आपको यहां पर लिखना होगा एक मंत्र, ओम क्लिम त्रिम, आगे अपने पार्टनर का नाम है, स्पेल आउट कर देता हूं, OM OM KLIM TRIM आगे अपने पार्टनर का नाम लिखना है, ठीक है। उसके नीचे आपको ग्रीन कलर के पेन से या स्केच पेन से आपको 8 विशेष लिखनी है और ये रोज करना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद करने बद करना क्या है, हमें मान के चलो आपने सुबह लिखी, सुबह उठते के साथ ही आपकी आंख खोली, आपने सबसे पहले ये काम करना है, ठीक है, अपनी विश मन में लेकर आनी है, पहले आपको मैनिफेस्ट करना है। ध्यान रखिएगा एक चीज, मेन चीज है, जो भी आप विश लिखेंगे वो प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरी पार्टनर से शादी हो जाए, नहीं, आपकी आपके पार्टनर से शादी हो चुकी है, आप दोनों साथ में रह रहे हैं, आप दोनों बहुत खुश हैं, इस तरीके से लिखना है आपको। और उसके बाद सुबह लिखना है, उसको पेपर को फोल्ड करके अपने किसी भी, जैसे आप सोते हैं बेड पे सोते हैं, उसके पिल्लो के नीचे रख दो, अपने किसी बुक के नीचे रख दो, वहां पर रख सकते हैं हम। उसके बाद क्या करना है, रात के समय अपनी छत पे जाइए, उसको जो कागज पे आपने लिखा है कागज लिए, उसे बर्न कर दीजिए। बर्न करने पर क्या होगा, आप जो उसकी ऐश होगी उसे हवा में ही आपको उड़ा देना है फूंक मारकर, क्योंकि आपने एयर अपने हाथ से जो चीज लिखी है वो आपने एयर एलिमेंट में आपने वो चीज वहां पे उन्हें दे दी है, मतलब यूनिवर्स की चीज थी, आपने जो मैसेज यूनिवर्स को देना था आपने यूनिवर्स से किसी एक एलिमेंट में आपको वो चीज आपने दे दी है। आपको डेली ये करना है 8 अगस्त तक, आप देखोगे आपके 8 अगस्त तक हर हाल में जो आपके मैनिफेस्टेशन जो आप डेली पेपर पर लिखते आ रहे हैं ना, वो आपकी हर हाल में पूरी होनी शुरू हो जाएगी। आपको कोई ना कोई पॉजिटिव इंडिकेटर मिलने शुरू हो जाएंगे कि हाँ, आप जो इस काम के लिए आपने जिस काम के लिए आपने जो विश मांगी थी, विश आपकी पूरी धीरे धीरे पूरी हो रही है, ठीक है। ये तो हो गया रिलेशनशिप के लिए, अब आता हूं फाइनेंसिस पे। मान के चलो आपके फाइनेंसिस में बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, आप चाहते हैं आपके फाइनेंसिस बहुत अच्छे हो जाए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही आपको एक प्लेन पेपर लेना है, उसमें भी आपको ग्रीन कलर के पेन से ऐसे 8 विशेज लिखनी है प्रेजेंट टेंस में, ध्यान रखिएगा। ऊपर यहां पे आपको मंत्र लिखना है, ओम लक्ष्मी आय नमः, ये फाइनेंसिस के लिए है। उसके बाद आपको 8 विशेज लिखनी है, वो भी सारी प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। उसके बाद भी आपको सिंपल क्या करना है, ऊपर छत पे जाइए रात के समय,
उसको जो है फिर से जला दीजिए, उसको हवा में फूंक मार के उड़ा दीजिए। डेली करना है, सुबह उठते के साथ ही करना है, और रात को सोते सोने से पहले आपको ये ऊपर छत पे जाकर या कहीं भी जो खुले आसमान में आपको वो जलाकर हवा में उसके राख को, उसकी ऐश को आपको उड़ा देना है। आप देखना 8 अगस्त तक आपके सामने इतने पॉजिटिव आपके सामने चेंजेस आएंगे कि आपने सोचा भी ना होगा। इसे करिएगा जरूर, ये काम हर हाल में, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो चाहे पूरी करना चाहते हैं, तो ये करना जरूर, काम आपका हर हाल में हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।